आज आने वाला राइड का मजा, क्योंकि हमेशा मैं अकेले ही रहता था, तो आज एक आरसी भी सेफ भाई अपने साथ है। और जो हॉन्टेड प्लेस है देहरादून का, वो सामने वो हॉन्टेड प्लेस है। गए कभी? दोनों गाड़ी भपका मारती पूरा, दोनों गाड़ी हिट मारती। एक बार यहाँ का व्यू चेक करो गाइस, एक नंबर। अपनी एक सीट पक्की कर ली वहाँ, एक नंबर ब्रो, एक नंबर। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अभी बज रहे सुबह के 4:30 और मैं जस्ट अभी भी रेडी हुआ हूँ, क्योंकि मैं कल ही देहरादून आया हूँ। कल रात को 9 बजे देहरादून पहुँच गया था और अभी तक नींद पूरी होनी है, बट इधर से प्लान बना राइड का। सो अभी 4:30 बज रहे हैं, हम रेडी निकलने वाले हैं। सो इस बार मैं अकेला नहीं हूँ, इस बार मेरे साथ एक बंदा हो रहा है जो कि खुद एक राइडर है। सो अब वो कौन है वो आपको मैं आगे बताऊँगा जब मिलूँगा उनसे। सो चलो चलते हैं, और बाइक खड़ी राजा रानी हमारी ये रही है, इसको करते हैं स्टार्ट और चलते सीधा बाहर। क्योंकि हम बाहर सीधा, और मैं जाऊंगा सीधा मंडी पे, क्योंकि जो मेरे साथ एक और जो भी है मेरे साथ जाने वाले राइड पे, वो मंडी पे उनका घर है, तो मंडी पे मिलेंगे। तो सबसे पहले हम पियेंगे वहाँ पे थोड़ी चाय, क्योंकि तो चाय चुई पी के हम राइड पे जाने वाले, क्योंकि अभी 4:30 हो गया, पूरा अंधेरा ही है। तो पहले चाय चुई पियेंगे, उसके बाद निकलेंगे। बाकी अभी कुछ पता नहीं है जाना कहाँ पे है, 2-3 जगह हमने सोची भी जहाँ पे हम राइड पे जाएंगे, तो अभी जाके हम सेलेक्ट करते जाएंगे कहाँ पे। इसलिए हमने और बन ऑमलेट भी खा लिया, पेट हो गया फुल, और अब जाएंगे सीधा ऊपर। तो आज आने वाला राइड का मजा, क्योंकि हमेशा मैं अकेले ही रहता था, तो आज एक आरसी भी सेफ भाई अपने साथ है, तो इसमें मजा आने वाला है, क्योंकि हमेशा मैं अकेला ही होता था या मेरे पीछे मेरे को बैठा रहता था, बट इस बार भाई साथ में है, तो इस राइड का एक अलग ही फील होने वाला है। तो अभी आ चुके हैं किमाड़ी वाले रोड पे, और इस टाइम तो यहाँ पे कोई भी नहीं मिलेगा, खाली सड़क मिलेगी, मजा आने वाला है इस साइड पे। बट इस रोड पे बस ये दिक्कत है कि यहाँ पे बहुत सारा देर है, और ज़्यादा कुछ दिखने दिखने नहीं वाला, थोड़ा दिखेगा क्योंकि भाई आगे जा रहा है, आपको भाई की गाड़ी दिखती रहेगी। अपनी गाड़ी का जितना भी बाहर से काम कराते हो, लाइक जो भी मतलब कोई स्पेयर पार्ट्स जुड़वाना हो या कुछ एक्सीडेंट डलवाना हो, सारा काम मैं इसी भाई से कराता हूँ। इनकी अपनी गैरेज है तो डेरा घास में, तो भाई से कराता हूँ मैं। तो मुझे पता था इनके पास बाइक है, बट मुझे नहीं पता था कि भाई भी राइड पे जाते हैं। मैंने कल एक दूसरे रास्ते में मिले जब मैं घर से आ रहा था, जब मैंने रैंडमली इनकी बाइक देखी, मैं यार तुम्हारे पास सेम बाइक है तो इनके पास राइड पर चलते हैं। मैंने सीधा बोला कि चलते हैं चलो, मैंने तो बोला सुबह 5:30 चलते हैं, पर भाई ने बोला कि नहीं 4:30 बजे चलेंगे। मैं कहा यार ठीक है ठीक है, ये रोड तो सही है, बट ये बजरी काम खराब कर देती है, ब्रेक भी मारा तो भी जाते हैं। सही बात है, स्लो स्लो रोक दी ना गाड़ी। चलो कोई नहीं, सेफ राइड ब्रो। यार एकदम से यार गाड़ी फिसल गई थी, ये जो बजरी आपको दिख रही होगी यहाँ पे बजरी, इस पर ब्रेक मारोगे तो जाओगे, नहीं मारोगे तो ही मरोगे। तो धीरे धीरे राइड करना है यार, यहाँ पे सेफ रहेगा। दुष्यंत भाई तो वैसे एक राइडर है यार, इनकी गाड़ी स्लिप हो गई थी, और मैं तो अभी इस लाइन में नवा ही हूँ मैं राइडर राइडिंग में। वाली सड़क थी जो पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है, और क्या बोलती पब्लिक, कब तक खत्म हो जाएगी पूरी है, और ऊपर से पत्थर गिरे हुए हैं, तो ये खत्म है एक तरह से। ऑलमोस्ट पूरा चांदना हो चुका है, और अब बिल्कुल क्लियर दिखेगा आपको यहाँ का रास्ता, एक नंबर एक नंबर। और यहाँ तो मजा ही है, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड नहीं होंगे यहाँ पे ज़्यादातर, यहाँ पे पहाड़ पेड़ ज़्यादा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे पत्थर वाला कोई सीन नहीं है, पीछे पहाड़ नहीं थे सिर्फ पत्थर थे, इसलिए यहाँ पे पत्थर गिरते रहते हैं, यहाँ पे नहीं है। ये रोड बिल्कुल सही है, एक नंबर क्लियर बिल्कुल। तो जो हॉन्टेड प्लेस है देहरादून का, वो सामने वो हॉन्टेड प्लेस है। गए हो कभी वहाँ पे? ये मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है। चलते हैं, सूरज देवता भी निकलता ही होगा, हम पहले पहुँच जाएंगे उसे। तो
अब यहाँ पे भूत प्रेत आत्मा है कि नहीं है वो तो भगवान ही जाने, जिसको फील होता होगा उसको पता होगा, इसको नहीं हुआ उसके लिए तो कुछ भी नहीं। यहाँ पे YouTube में बहुत सारी वीडियोस मिलेगी आपको यार इसकी माइंस की यार यहाँ पे। बाकी रियलिटी तो यही है यार कि यहाँ पे काफ़ी बंदा यहाँ पे ब्लास्ट में जो था जब लेंस खींच की थी वहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे दब के मर चुके थे। तो यहाँ से एक रास्ता जा रहा है ये जा रहा है मसूरी, ये जा रहा है सामने क्लाउड एंड, और जो नीचे की तरफ जा रहा है वो जा रहा है जॉर्ज एवरेस्ट। हाँ जी सर चले ऊपर, वो वहाँ जा रहा है चले क्लाउड एंड फिर जाओगे ऊपर चलो फिर क्लाउड एंड चलो। तो अभी इतना ऊपर देख के तो ऐसा लग रहा है कि अभी तो पॉसिबल नहीं होगा ऊपर जाना, ये बहुत ज़्यादा ऊपर है यार, उसके लिए थोड़ा प्लानिंग के साथ आना पड़ता है, खा पी के अच्छे से डाइट लेके। सो फाइनली आ गए हम क्लाउड एंड, और एक बार यहाँ का व्यू तो देखो गाइस, दोनों गाड़ी भपका मार रही है पूरा दोनों गाड़ी हिट मार दिया पूरा फुल। तो ये है क्लाउड एंड है, और एक बार यहाँ का व्यू चेक करो गाइस एक नंबर। सूरज कहाँ से निकलेगा? वहां से। तो अब ये करेंगे हम थोड़ा यहाँ से सूरज का वेट, नीचे क्या है इसके नीचे तो भयंकर है बंदा ही नहीं मिलेगा। तो अभी आ चुके हैं हम क्लाउड एंड, और यहाँ पे कोई भी नहीं है, और क्लाउड एंड तो आ चुके हैं बट यहाँ पे क्लाउड नहीं है क्योंकि अभी यहाँ पे जितने भी आज क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा सही है यहाँ पे, बिल्कुल ज़्यादा साफ एक नंबर हो रखा है यहाँ पे मौसम क्लियर बिल्कुल, तो पहाड़ भी बिल्कुल सही दिख रहे हैं। और अभी सनराइज़ होने का टाइम हो चुका है, तो सनराइज़ देखते दिखता ही दिखता होगा कहाँ से पहले वो देखना पड़ेगा। तो अभी तो भाई जा रहा है सामने चलता हुआ, आगे भी कुछ है क्या इसके क्या लंगूर काले मुंह वाले कहाँ है साले काटते हैं वो सारे तो लदे पड़े हैं। ओहो कुत्ता आ गया से वहाँ पे, तो अभी यहाँ पे जहाँ जाना था वहाँ पे तो लंगूर है भाई बहुत सारे, वो जा रहा लंगूर तो वहाँ सारे में लंगूर ही लंगूर है, हमने वहाँ भी जाना था। तो भाई ने तो ले लिया है अपनी एक सीट पक्की कर ली वहाँ पे, एक नंबर ब्रो एक नंबर, ये सही जगह है यार, मस्त लग रहा है मालिक एक नंबर। तो क्लाउड एंड तो घूम लिया हमने, और वहाँ पे बहुत सारे बंदर थे तो वहाँ से भाग भाग के आ चुके हैं कि वहाँ से पूरी फट चुकी थी। तो अभी सूरज पूरी तरह निकल चुका है और काफ़ी सही लग रहा होगा व्यू यहाँ का। तो भाई हमारी दोनों सेम गाड़ी हैं, तो भाई लेने वाले अभी अपैचे 310 है ना, 310 लेने वाले, तो उसको भी हम करेंगे राइड में। तो भाई जो यहाँ से हमने कर दिया भाई भाई, अब जा रहे हैं वापस हम यहाँ से क्लाउड एंड से, यहाँ पर क्लाउड तो है नहीं धूप ही धूप है। तो टाइम आ चुका है 7, हम निकले थे 4:30 बजे, और यहाँ से हम जाएंगे सीधा वापसी अपने अपने रूम पे। तो मज़ा आ गया इस राइड पे यार भाई के साथ। तो यहाँ से जाएंगे हम मसूरी रोड पे, और
जोर जोर है सामने, वहाँ जाएंगे नेक्स्ट टाइम। तो चलो चलते हैं वापस अब। सो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना यार कि आपको वीडियो कैसी लगी, अगर कुछ कमी हो तो मुझे जरूर बताना यार, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। सो इस व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू, टेक केयर, बाय 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 एंड बाय।